तू टेबल पर प्लेट्स लगा, तब तक मैं किचन में जाकर देखती हूँ सबका मनपसंद नाश्ता बना है या नहीं। मैंने गोपी वहू को समझा दिया है अहम किस प्रकार के ढोकले पसंद करता है। तुम जानती हो ना कैसे बनाते हैं, तो तुम जाके गोपी वहू की मदद करो उसे बनाने में। कोकिला, उसे प्लेट्स लगाने दे, मैं ढोकले के लिए मदद कर देती हूँ। अब नहीं नहीं मम्मी जी, हम दोनों बहनें मिलके सब कर लेंगी। अब आप डाइनिंग टेबल पर बैठिए, हम नाश्ता ले आते। गोपी, तुझसे कुछ कहने का कोई फायदा ही नहीं है क्योंकि तू तो सुनती ही नहीं। गोपी, ये सब करके तू अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मार रही है। मुझे एक बात बता, तू इस घर में अपने आप को एक बुरी बहू करके साबित करना चाहती है ना, तो जैसा मैं कह रही हूं वैसा करती जा। हाँ, ये जो नाश्ता बना रही है वो बना दे, लेकिन खबरदार खबरदार किसी को कहा कि ये सब तूने बनाया। और एक बात सुन, समझ गए ना तू? गुड मॉर्निंग मॉम। मॉर्निंग काकी। जय श्री कृष्ण बेटा। गोपी बहू, अहम के लिए मैंने जो स्पेशल ढोकला बनाने के लिए तुमसे कहा था ना, वो उसे परोस दो। माँ जी, मैंने ढोकला नहीं बनाया। क्या क्यों क्यों नहीं बनाया? वो इन्हें तो आप ही के हाथ का पसंद है ना, इसलिए मैंने नहीं बनाया। क्या गोपी बहू, मैंने तुमसे सिर्फ ढोकला बनाने के लिए नहीं कहा था, मैं खुद रसोड़े में आई थी और तुम्हें समझाया था कि कैसे बनाना होता है ना, तब भी तुमने नहीं बनाया। मेरे बेटे ने मेरी तारीफ क्या कर दी कि मुझे सिर्फ अपनी माँ के हाथ का बना खाना पसंद है, तो तुम्हें तो काम चोरी का बहाना मिल गया। मॉम, जाने दीजिए, वैसे मैं लेट हो रहा हूँ, ऑफिस में कुछ खा लूंगा। गोपी बहू, आज तुम्हारी वजह से मेरा बेटा। पहले जान तो लो परेशानी क्या है, फिर जाकर गोपी कर कुछ कहो। अरे हो सकता है जो तुम देख रही हो वो सच ना हो। जी मोटा भाई,
दूसरी बात भी, आप परेशान मत होइए। अब आप ऐसा करिए कि नाश्ता मुझे टिफिन में डाल के दे दीजिए, मैं वहीं पे उन्हें समझा बुझा के नाश्ता करवा दूंगा। जिगर बेटा, तुम्हें इन सब लफड़ों में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है, ये औरतों का विभाग है, हम संभाल लेंगी। बराबर कही रही चुने जी काकी। तुम्हें ऑफिस के लिए देर हो रही होगी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अब गोपी बहू कहिए तो, आप क्या कह रही थी कि मेरे दिख रहे अहम को सिर्फ मेरे हाथ का ही खाना पसंद है और आपके हाथ का नहीं, यही कह रही थी ना? माँ जी, वो मैं क्या माफ कर दी। चुप! आज सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरा बेटा बिना खाए चला गया। इतने सालों में मजाल है कि कभी कभी भी वो घर से बिना खाए निकला हो, ऑफिस गया हो? तुम्हारी वजह से, अपनी पत्नी की वजह से वो भूखा चला गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इधर देख, मेरी आंखों में देखो और ध्यान से मेरी बात सुनो। मैंने अपने बेटे की परवरिश बहुत नाजों से की है, उसकी हर जरूरत मैंने पूरी की है, उसके मुंह से निकला नहीं और तभी के तभी मैंने वो फरमाइश, उसकी जरूरत पूरी की है मैंने। खास तौर से खिलाने पिलाने मेरे बेटे के मुंह से नहीं निकला कि तभी के तभी मैं वो चीज बनाकर उसे खिलाती थी। इसीलिए वो कहता है कि मुझे अपनी माँ के हाथ का खाना पसंद है, उसके पीछे प्यार है, समझी? तो मैं ये सोचकर पीछे हट गई कि गोपी बहू अब घर में आ गई है, अहम की पत्नी जिसे सब कुछ आता है। इसीलिए तो तुमसे कहा कि अहम के पसंदीदा ढोकले बनाओ, और तुमने नहीं बनाए और वो भूखा चला गया। छी, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अभी उनके लिए कुछ। बस, चुप हो जा। और अब, बल्कि अब से तुम इन सबसे दूर रहोगी।